सोमवार को नेशनल धावक राहुल द्वारा एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्विज के विशेष स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को एकलव्य स्टेडियम में सम्मानित किया गया। राहुल रेसर के नाम से विख्यात राहुल ठाकुर छोटी सी उम्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मूल रूप से अचनेरा निवासी राहुल छोटी सी उम्र में रेसर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। कई प्रदेशों में रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर वह कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं और आगामी अप्रैल के महीने में वह भारत की ओर से श्रीलंका भी रेसिंग में अपना जलवा दिखाने जा रहे हैं। बच्चों को कैसे आगे लाया जाए, उनमें खेल खूंद की भावना कैसे जागृत की जाए, इसी सोच के साथ सोमवार को राहुल ने स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि तन्वी पंडित ने बच्चों को मेडल और ट्रॉफी से नवाजा और राहुल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए सहयोग का भरोसा दिलाया। राहुल रेसर जो ये बच्चा है, इन्होंने इसका गोल्डन मेडलिस्ट का प्रोग्राम रखा था बच्चों के लिए, जिसमें कि काफ़ी 250 बच्चों की प्रतियोगिता थी। उसमें 5 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे हमारे और सबको अवार्ड्स बयाने, जो भी इन्होंने कार्यक्रम किया था बच्चों का, हमने मान सम्मान किया है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, ट्रॉफी दे के हमने इन सबका मान सम्मान किया है। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहे, छोटी सी सोच से लेके ही आगे बच्चे शुरुआत करते हैं जब भी कुछ हो पाता है। और इसने राहुल बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, मैं काफ़ी इनका देखती हूँ, अपना तैयारियाँ भी कराते हैं ये। ऐसे ही बढ़ते रहें और बच्चों को आगे भी ऐसे सीख मिलेगी, सभी बच्चों को ऐसे करना चाहिए। मैं दिल से सब इनका, राहुल का भी धन्यवाद करती हूँ, जो इन्होंने हमको बुलाकर बच्चों का सम्मान करवाया। और ये बच्ची है भावना, इसका भी ऐसे ही चलता रहे। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं हर महीने प्रतियोगिता कराया करूँगा बालकों को। किससे प्रेरणा मिली राहुल आपको, आपने ये इतनी बड़ी आपने बात सोची छोटे बहन भाइयों के लिए? मैंने अपने कोच से सीखा, जो खुद सीखा ना अपने कोच से सीखा, फिर अपने माँ बाप ने मेरे को आगे के लिए बढ़ाया बहुत। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं हूँ इस तरीका का, जैसे कि मेरे लिए मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो भी मेरी तरह आगे के लिए बढ़ें और वो भी अपने घर। आज हमें जो लगता है कि आपने ये पुरस्कार अपनी पॉकेट से बांटे, हाँ तो एक दिन वो समय आना चाहिए कि आपको पूरी दुनिया सहयोग करे, तो उसके लिए कह रहे थे ना। हाँ, मेरी दीदी का सपोर्ट है और अपना एक बड़ा भाई है रे, बहुत बहुत सपोर्ट है इनका भी। अच्छा, बहुत बहुत मैं इनका कहना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बड़े भैया अपने, ये इन्होंने भी बोल दिया कि कुछ बात हो तो बता देना राहुल भाई। वही क्विज प्रतियोगिता में स्थान बनाने वाले चेतन कौशिक और भावना भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजक राहुल का आभार जताया। स्पोर्ट कुछ कराया था राहुल सर ने, इसमें मैंने भाग लिया था। तो आप कौन से पुरस्कार जीता है आपने? मैं प्रथम आया हूँ इस प्रोग्राम में। पहली बार आपने पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन अब इनका भी किया है और सारे भी बहुत सारी कुछ दिए। कैसा लग रहा है आपको इस अवसर पर आज? इस अवसर पर आगे मुझको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं प्रथम आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको इस अवसर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, तो क्या अपने छोटे बहन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? नहीं, घरे ऐसी तैयारी करते हो सब मेरे ऐसे बने। आप उनका नाम जानते हो जिन्होंने ये कंपटीशन कराया था? हाँ। कौन है? राहुल। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस अवसर पर तेजवीर, रघुवंश विनय, गौरव ठाकुर, कैलाश ठाकुर, हेमंत वरदान सहित काफी संख्या में खिलाड़ी और संस्था से जुड़े लोग मौजूद थे। उन न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।